जी हाँ दोस्तों, आपने कभी खुशी कभी गम मूवी को ज़रूर देखा होगा। इस मूवी को लोगों ने खूब पसंद किया था, आज भी लोग इसे बड़े चाव से देखते हैं। इस मूवी में शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी को लोगों ने खासा पसंद किया था। इनकी एक्टिंग से लोग खूब इम्प्रेस हुए थे और आज भी लोग अपनी पुरानी मेमोरीज़ को याद करते हुए इस मूवीज़ को देखते हैं। दोस्तों, इस मूवी में इनका एक बच्चा था, आपको याद होगा, कृष्ण नाम से, जो कि क्यूट सा बच्चा था। पूरी मूवी में काफ़ी ध्यान खींचा था क्रिश के इस किरदार ने। इस किरदार को निभाया था उस टाइम के चाइल्ड एक्टर जबरान खान ने। जी हाँ दोस्तों, ये क्यूट सा बच्चा कोई और नहीं, जबरान खान था। अब शाहरुख और काजोल का ये क्यूट सा बच्चा काफ़ी बड़ा हो गया है और बॉलीवुड में अपनी एंट्री करने के लिए एकदम रेडी है। जी हाँ दोस्तों, आप पिक्चर्स में देख ही सकते हैं कि जबरान काफ़ी बड़े हो चुके हैं, पहचाने भी नहीं जा सकते, और ये बॉलीवुड में जल्दी ही एंट्री करने वाले हैं, ऐसा सुनने में आया है। दोस्तों, हाल ही में जबरान का बर्थडे था जिसपे उन्हें करीना कपूर ने भी विश किया था, जिससे ये लगता है कि करीना कपूर का फुल सपोर्ट है और जिसके चलते अब वो फिल्मों में वापसी करते जल्दी ही दिखेंगे। इसके अलावा दोस्तों, जबरान इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर खासे एक्टिव रहते हैं। इनकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ अक्सर लोग काफ़ी पसंद करते हैं, इनकी फ़ोटोज़ पे लोग कमेंट बहुत करते हैं, और अब लोगों का भी ये कहना है कि वो जल्दी ही उन्हें स्क्रीन पे देखना चाहते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को बड़े पर्दे पर फिर से देखना चाहते हैं। नेक्स्ट टाइम लाइव से आकाश की रिपोर्ट।